आनंदित रहना एक कला होती है। कैसे? आइए सुझाता हूं एक कहानी के जरिए। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर आध्यात्म यानी ईश्वर की खोज में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल पाया है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य ही नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो, तो वह राजपाट छोड़कर शेष जीवन आध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा पात्र, ज्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूं। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूंगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूंगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहां एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरी यह नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं करने को तैयार हूं। गुरु ने कहा, मेरे यहां राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए वह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। एक वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस आध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। इस कहानी से समझ में आएगा आप सबको कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी तो नहीं। राज्य वही, राजा वही, काम वही, दृष्टिकोण वही। नहीं, यहां दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह हम भी जीवन में अपनी दृष्टिकोण बदले, मालिक बनकर नहीं बल्कि यह सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूं, अब ईश्वर ही जाने, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे, फिर ही आप हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाल रह पाएंगे। अगर ऐसा हो सका तो मनुष्य के जीवन में इससे आनंदित और कुछ भी नहीं हो सकता। सोचिएगा। धन्यवाद।